दोस्तों, भाजपा सरकार अपनी हार देखकर अब बौखला गई है। जैसे जैसे चुनाव खत्म हो रहा है, वैसे वैसे जनता भाजपा के विरोध में आ रही है। कहीं भाजपा नेताओं को मारा जाता है तो कहीं मोदी जी को ही काले झंडे दिखाए जाते हैं, और कहीं तो साफ तौर पर मना कर दिया जाता है कि आप यहां वोट मांगने मत आ जाना, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। एक बार फिर से एक और वीडियो सामने आया है जहां पर बीजेपी सरकार के नेताओं की जनता ने खटिया खड़ी कर दी और उनकी गाड़ी पर जमकर हमला कर दिया, जिसका वीडियो आपको भी देखना चाहिए, जिससे आप भी समझ जाएंगे कि जनता के अंदर कितना क्रोध भरा हुआ है। लोगों ने भाजपा नेता की गाड़ी के आगे काले झंडे भी दिखाना शुरू कर दिए हैं। कैसे जनता इनको आगे ही नहीं बढ़ने दे रही है। इस वीडियो को शेयर करते हुए आम आदमी पार्टी ने लिखा, भाजपा के गुंडों ने दिल्ली मंत्री पर हमला किया, @सतेंद्र जैन काफिला। बीजेपी MCD चुनाव हार रही है, इसीलिए वे वही जानते हैं जो वे सबसे अच्छी तरह जानते हैं, हिंसा। भाजपा सरकार अपनी गुंडागर्दी पर उतर आई है। जैसे समझ आ रहा है कि उनकी सत्ता जा रही है, वैसे वैसे भाजपा नेता बौखला गए हैं और गुंडागर्दी शुरू कर रहे हैं। इस वीडियो को अरविंद केजरीवाल ने शेयर करते हुए लिखा, ये भाजपा है निहायत गुंडों और लफंगों की पार्टी। जब ये हार रहे होते हैं तो अपनी औकात दिखा देते हैं, इन्हें जनता इनकी औकात बताएगी। दोस्तों, आपको बता दें, बीजेपी के गुंडे बीजेपी मोदी सरकार के गृह मंत्री अमित शाह के अधीन दिल्ली पुलिस के संरक्षण में गुंडाई करते हैं। बीजेपी वाले MCD में हार के डर से बौखलाहट में गुंडाई कर रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में दिल्ली के गृह मंत्री सतेंद्र जैन पर भाजपा के गुंडे सरेआम पत्थरबाजी कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस बार भाजपा सरकार का सुपड़ा साफ होने वाला है, जिसको देखते हुए भाजपा नेता बौखला कर गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। लेकिन भाजपा सरकार को कौन समझाए, गुंडागर्दी से चुनाव नहीं जीते जा सकते हैं। अगर इन 5 सालों में कुछ किया होता तो शायद उनको हार का सामना नहीं करना पड़ता और जनता उनका पूरा साथ देती। लेकिन उनकी सरकार में महंगाई बेरोजगारी लगातार बढ़ती गई, जिससे जनता ने भी इस बार उनका सुपड़ा साफ करने का ठान लिया है। रविकांत नाम के एक यूजर ने लिखा, जनता ने बीजेपी को उनकी औकात उसको बता दी है, ये बस गरीब जनता को परेशान करने के लिए आगे रहती है बीजेपी पार्टी, इसीलिए भाजपा हटाओ देश बचाओ। वहीं एक और यूजर ने लिखा, बीजेपी के गुंडों ने दिल्ली मंत्री @सतेंद्र जैन के काफिले पर हमला किया, बीजेपी MCD चुनाव हार रही है, इसीलिए वे वही जानते हैं जो वे सबसे अच्छी तरह से जानते हैं, हिंसा। इस खबर में सिर्फ इतना ही, वहीं ऐसी और भी खबरें पाने के लिए MIM News Express को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें।